लगातार पिछले 10 महीने की कोविड काल के बाद भारतवर्ष में करीब 1 महीने से केसेस बहुत कम होने शुरू हो गए, जबकि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और विश्व के कई अन्य देशों में अभी केसेस चल रहे हैं। इससे पहले पिछले 9 महीनों के अंदर हमने पीपीई किट, जो इंडिया में बनते नहीं थे, उनको हमने बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एचसीक्यू टेबलेट्स भेजी, पैरास्टामोल की गोलियां भेजी, जो ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की और मास्क की शॉर्टेज थी इंडिया के अंदर, हमने इतनी ज़्यादा मात्रा में बनाए कि पूरे विश्व को हम भेजने पाने में सफल हुए। उसी के अंतर्गत अगर हम आज बात करें वैक्सीन की, तो कल तक 80 लाख से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन दे चुके थे। और हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो मानता है कि कम से कम 3 या 4 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको हम अगले 2 महीनों के अंदर मान्यता दे देंगे। आज हम बात करेंगे नेजल वैक्सीन की, जो वैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR मिलकर नाक में डालने वाली दवाई एक वैक्सीन के रूप में काम करेगी। केवल 2 बूंद नाक में डालनी है और ये आपको लंबी इम्यूनिटी देने की क्षमता रखती है। इसका ट्रायल रन अभी अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। इसके फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा तो इसका यह है कि आपको हेल्थ केयर वर्कर की जरूरत नहीं है, नर्स की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नंबर 2, बहुत आसान है, 2 बूंद नाक के अंदर डालनी है। तीसरी बात इसकी यह है कि इसका खर्चा बहुत कम आएगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारा ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो अच्छी मात्रा के अंदर हम देश के अंदर ही सभी को वैक्सीनेट कर पाएंगे, बल्कि विश्व को भी ये वैक्सीन हम सप्लाई कर पाएंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन होगी, अपने यहाँ डेवलप्ड, अपने यहाँ इन्वेंटेड और उसके बाद अपने यहाँ प्रोड्यूस्ड, और सब देश के लोगों को हम दे पाएंगे। एक ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक सोच के साथ जो ये वैक्सीन आएगी तो मुझे लगता है गेम चेंजर होने वाला है। अभी आप देखते हैं कि कुछ लोग डरते हैं कि इंजेक्शन लगेगा, कई लोगों को इंजेक्शन का फोबिया होता है, कई लोगों को डर होता है कि वहाँ दर्द होगा या साइड इफेक्ट्स होंगे, और कई कई विश्व के अंदर ही, केवल इंडिया में नहीं, भ्रांति फैलाने वाले लोग पैदा हो जाते हैं कि इस वैक्सीन से ये हो रहा है, इस वैक्सीन से वो हो रहा है, कोई लोग पॉलिटिकल गेन लेने की बात भी करते हैं। और जबकि ये देखा गया कि जो इंडियन वैक्सीन हैं, दोनों भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, इन दोनों के मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं विश्व के अंदर। और सब सारा विश्व लोहा मानता है हमारी प्रक्रिया की भी, जिस तरीके से हमारी सरकारों ने वैक्सीनेशन का काम शुरू किया, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और इसके बाद अगले महीने से हम 50 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकारों ने बहुत बड़ा काम किया है। उम्मीद है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा उसी स्पीड से हम इस बीमारी को और ज़्यादा रोक पाएंगे। साथियों, इस चैनल पे हम आपसे रोज किसी न किसी माध्यम पे किसी न किसी इशू पे बात करेंगे। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ हमारे एपिसोड्स इसके ऊपर रहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो हमारी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से बचने के, जैसे कि बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, आप घर से बाहर निकल रहे हो, प्रॉपर मास्क लगा होना चाहिए, आपको अपने हाथों का सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है और हाथ नाक और मुंह को टच ना करें। तीसरा, आपने जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है बहुत आवश्यक है। अभी मैं देख रहा हूँ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि बीमारी खत्म हो गई, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, शादियाँ शुरू हो गई हैं, और ये अभी खतरनाक हो सकता है, तो डिस्टेंसिंग रखें और ये जो हमारे बिहेवियरल जो इश्यूज हैं उनका भी ध्यान रखें।
आज के इस जो मैंने आज से डायलॉग किया आपके साथ, इसके ऊपर अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई आपको कमेंट्स करना चाहे, या कोई आपके दिमाग में डिस्कशन का इश्यूज है, उन सबको मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि हम उसका अगले एपिसोड में जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।